નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરે છે. અંતર આજે આપણી સાથે છે ફઝલ કુરેશીજી. કહી શકાય કે એવા પરિવારમાંથી એ બિલોંગ કરે છે, ઘરાનામાંથી બિલોંગ કરે છે કે કદાચ આ ઘરાનામાં જેટલા પણ લોકો જન્મ્યા હોય છે ને, એ નાનપણમાં એ લોકો રડતા નથી, પેલા આંગળીઓ આમામ આમામ કરે છે. ફઝલજી આપકા સ્વાગત હૈ ઘર મેં. થેન્ક યુ. મેં ઇન્ટ્રોડ્યુસ સહી કિયા આપને. યે પરિવાર હી એસા હૈ જો રોતા નહીં હૈ, પહેલે સે યું ટક 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 આગે બજાના શરૂ કર દેતા હૈ. જૈસે જૈસે કહેતે ના કે જૈસે હમારે મેં કહેતે હૈ કે ભાઈ જૈસે બચ્ચા પેદા હોતા હૈ તો ઉસકે કાનો મેં કલમા પડતે હૈ એસા બોલા જાતા હૈ, મગર હમારે ફાધર ને હમારે કાનો મેં તબલે કે બોલ પડે. ઓકે ઓકે. તાક દિના દિન જો ભી તર્દિક જાકિર ભાઈ કે કાનો મેં ભડે, મેરે કાનો મેં ભી, તો વો ઇસલિયે ઉસકા અસર યે હુઆ કે હમ સબ તબલા બજા રહે હૈ. ઓકે ઓકે. તબલે કી બાત કરે, બજાને વાલી બાત કરે, તો એક હી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કો લેકે જી ઇતની જનરેશન ઓર વો ભી રિનાઉન્ડ, ક્યોંકિ યે યે બહોત કઠિન બાત હૈ મેરે હિસાબ સે. ઉસી ઘરાને મેં પેદા હોના મેરે હિસાબ સે તો ખુશકિસ્મતી હૈ. લેકિન 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 હેરિડિટી મેં બહોત સારી ચીજે આતી હૈ. કઈ સારે બિઝનેસમેન કો હમને દેખા હૈ, પહેલી જનરેશન દૂસરી જનરેશન ભુડુમ હો જાતે હૈ. કરેક્ટ કરેક્ટ કરેક્ટ. સંગીત કે ઘરાને મેં ભી દેખા હૈ કે વો ઘરાના અમર રહેગા, લેકિન ઉસી કે પરિવાર કે લોગ ઉસી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કે સાથ ઉસી દુનિયા મેં જીને વાલે, યે મેરે હિસાબ સે બહોત એસે ચંદ કમ પરિવાર હૈ જિનમે સે આપકા એક પરિવાર હૈ. इसको किस तरह से लिखे, खुशकिस्मती है ये तो. सही बात है. नहीं, ये हम कहते हैं कि ये हमारे पिताजी का आशीर्वाद है. जैसे कहते हैं ना कि उनके उनके उनको उनको आशीर्वाद मिला, हमें हमारे पिताजी का आशीर्वाद मिला कि जो हम लोगों ने अभी, मैं आपको एक मतलब क्या कहते हैं ना कि एक हंसी हुई चीज बता दूं कि हमारी मदर चाहती थी कि हम में से कोई तबला ना बजाए. क्या बात है. क्यों क्यों क्यों, रीजन क्या था, रीजन बताइए. रीजन उसका यही है कि उन्होंने इतने बुरे दिन देखे जब हमारे फादर स्ट्रगल कर रहे थे बंबई में, जब मुंबई में जब पहली बार आए 1937 में, उस वक्त तो बड़े मतलब मुफलिसी जैसे कहते हैं, गरीबी में थोड़ा वक्त गुजरा, तो वो और वो चाहती थी कि हम लोग इस लाइन में आए ना. वो तो कोशिश ये करते थे कि जाकिर भाई जो है वो पढ़ाई करके कुछ बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ इंजीनियर. वो चाहती थी कि मैं भी कुछ पढ़ाई करके कुछ और बन जाऊं. तो वो हम माहिम में रहते थे, तो सन माइकल स्कूल जो है माहिम में, तो वहाँ पे जाकिर भाई पढ़ते थे, तो हमारी मदर उनको छोड़ने जाती थी और शी वॉन्टेड टू मेक श्योर कि वो गए हैं. तो क्या कहते ना कि लंच के वक्त आके वो फादर जो थे उनको पूछती थी कि भाई मेरा लड़का है, बोले नहीं वो तो गया है किसी, वो अभी तक तो देखा था, अभी नहीं, नजर नहीं आ रहा. वो कहीं जाके किसी के साथ बजा रहे हैं कॉन्सर्ट या कोई मतलब कोई बंक करते थे, बंक करने, करके मतलब ये आजकल की कॉलेज की जनरेशन को हम बिना फिजूल बदनाम कर रहे हैं, ये जाकिर भाई के जमाने से कॉलेज बंक होने का ट्रेंड चालू है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो हमारी मदर ने वो, मगर अब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो भी आप कहना चाहें कि हम सभी इसी लाइन में आए और ऊपर वाले की मतलब एक ब्लेसिंग है और हमारे फादर की और हमारी मदर की ब्लेसिंग है कि भाई हम इस लाइन में आकर के पीछे नहीं हटे हैं, आगे ही बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़े जा रहे हैं. तो ये जो है हमारा एक एक आशीर्वाद समझ लीजिएगा. जी यहाँ रोकूंगा. आपने बताया कि माता जी ने ऐसे दिन देखे थे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जिससे वो नहीं चाहते थे कि हमारे परिवार की जो जनरेशन, आने वाली जनरेशन, जो नस्ल है, जो बच्चे हैं हमारे, वो ये फील्ड में ना जाए. वो ये कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ पढ़ाई लिखाई करके कुछ ऐसा काम करें कि जो सैलरी कुछ अर्निंग आती रहे. जैसे कहते हैं ना कि हर महीने जेब में कुछ फिक्स इनकम आती रहे, कोई नौकरी कर. जी मेरा सवाल ये है, थोड़ा आप अपने आपको पास्ट में ले जाइए. ऐसा कोई हादसा जहाँ पे गरीबी का एहसास हुआ खुद को भी. देखिए हम लोग ने, हम जैसे कहते हैं कि हम लोग माहिम में दरगाह जो है उसके पीछे हमारा घर हुआ करता था, एक कमरा था और उस कमरे में हम लोग पैदा हुए, उस कमरे में हम लोग बड़े हुए. मुझे याद है हम लोग, हमारे घर में क्या कहते हैं ना कि हमारे फादर बार 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 ट्रैवलिंग करना पड़ता था उनको, क्योंकि इतना बड़ा परिवार था, हमारे दो सिस्टर, हम तीन भाई. और तो स्ट्रगल उस वक्त हमने देखा थे, हम लोग तो रास्ते पे ही खेलते थे क्योंकि माहिम में दरगाह थी, उसके बाद रास्ता था,
तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई हम कोई हमारे पास कोई बहुत बड़े टॉयज वगैरह थे या ऐसा कुछ थे नहीं, हम लोग रस्ते पे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं या क्रिकेट या चोर पुलिस। तो हमने वो मुझे अभी भी याद है थोड़ा बहुत, वो दिन हमने देखे हैं कि भाई हम लोग उस किस्म से, जैसे जैसे कहते हैं ना कि बचपन जैसे होता है कि आपके माँ बाप आपको टॉयज ला के दे रहे हैं, आपको खुश कर रहे हैं, जैसे मैं अपने बच्चों को करता हूँ, अभी वैसा नहीं हुआ इतना ज़्यादा, क्योंकि हम थोड़ा कहते ना कि अब्बा जी हमारे फादर जो हैं वो वैसे तो एस्टैब्लिश हो चुके थे, मगर जैसे क्लासिकल म्यूजिशियन की जैसे और तबला प्लेयर की खास करके उस ज़माने में 60s में जैसे होती थी कि इतना तबला प्लेयर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जब क्लासिकल कॉन्सर्ट जब होता था तो मेन आर्टिस्ट पे ज़्यादा तवज्जो, उन पे ज़्यादा हाईलाइट जैसे होती है, सितार प्लेयर हो या सरोद प्लेयर हो या जो गाने वाला हो, तबला प्लेयर जो होते थे ऐसा पीछे होके बैठा करते थे, उनको पीछे बिठाया जाता था, मतलब ये भी नहीं कि साथ में बैठे हैं। तो हमारे फादर कभी कभी कहा करते थे कि वो पीछे से यहाँ तक आने में बोले मुझे 30 साल लग गए। वो अपने आप को वो पीछे से आगे लाने तक, जहाँ तक जहाँ पे वो मेन आर्टिस्ट बैठता है उस लाइन पे लाने तक बोले मुझे 30 साल लग गया, क्योंकि वो लोगों को मुतासिर करने की बहुत ज़रूरत थी और ये बताने की ज़रूरत थी कि तबला एक, आप उसको एक ऐसा साइड वाला इंस्ट्रूमेंट ना समझें, पैरेलल इंस्ट्रूमेंट है, बोले इसके बिना सिंगर आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे उस जमाना नहीं, लेकिन ये रिकॉग्नाइज कराने में 30 साल नहीं कर रहे। देखिए उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा, जब वो बम्बई जब आए वो, तो उस जमाने में उनको कोई नहीं जानता था, तो रेडियो स्टेशन में वो एक उनका एक वाक्य वो बताते हैं कि वो रेडियो स्टेशन में थे तो लोगों को बताने के लिए कि भाई मेरे में क्या है, बोले मैंने एक कॉम्पिटिशन छोड़ो और बोले ये मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, आप उसको किस ताल में है या ये क्या है आप कोई मुझे बता दे तो मैं उसको इतना इनाम दूंगा। ताकि लोग धीरे धीरे तबले की तरफ आए और उनकी उनके उनको जानने की कोशिश करें कि वो है क्या। रेडियो स्टेशन में जब वो नौकरी कर रहे थे बम्बई में, ही वॉज एम्प्लॉयड एज अ वोकलिस्ट एज वेल एज अ तबला प्लेयर। उन्होंने 10 साल क्लासिकल आशिक अली खान साहब जो थे, उस्ताद आशिक अली खान साहब जो पटियाला घराने के बहुत बड़े गायक थे, जिनसे पटियाला घराना शुरू हुआ, आशिक अली खान साहब से उन्होंने 10 साल गाना सीखा। तो इन द रेडियो स्टेशन, पहले वो लाहौर रेडियो स्टेशन में थे, वहाँ से दिल्ली स्टेशन रेडियो स्टेशन में आए, फिर दिल्ली से बम्बई आए, और जैसे जिस तरह से वो एक बुखारी साहब हुआ करते थे जो स्टेशन डायरेक्टर थे, उन्होंने हमारे फादर को दिल्ली लेके आए, फिर दिल्ली से जब वो बुखारी साहब का जब बम्बई ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने हमारे फादर को अपने साथ बम्बई भी लिया। तो उस ज़माने में, तो उस वक्त एक बार याद है मुझे, हम परेल के एक रास्ते से गुजर रहे थे, वो लाल बाग परेल, तो सडनली उनको ऐसा देखा, अरे जब मैं पहली बार बम्बई आया तो ये जो सामने खुली नज़र आ रही, मैं वहाँ पे रुका, मैं वहाँ पे रहता था। तो उस वो फजल जी, आपने बताया कि बहुत सारे वाक्य जो अब्बा जान ने आपको बताए थे, और ये होता है ना कि ये आपने बताया कि छोटे थे तो हमारे पास वो कोई टॉयज ऐसे नहीं थे जो हमारे अम्मी जान या अब्बा जान हमको देते थे खेलने के लिए, तो आप खुले में बिल्कुल गोदी में पले, धरती की गोदी में पले, बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी थी उसी से आपने अपने आप को एंजॉय किया, खुश किया और वहीं पे टाइम पास किया। फिर भी ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि अमीरों के घर में ये संवाद नहीं होता है परिवार में, लेकिन जहाँ पे एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अगर पुअर फैमिली है जो कि स्ट्रगल कर रहा है जीने के लिए, को अपने आप को अपने परिवार को बचाने के लिए, वहाँ पे संवाद ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरी तकलीफ अगर मैं बच्चों को बताऊँगा ताकि वो समझ पाए कि हमारी पोजीशन क्या है। इसी संवाद में अब्बा जान ने बहुत सारी चीज़ें बताई होगी, लेकिन ऐसी एक दो चीज़ कौन सी है जो उन्होंने कहीं एक ऐसा दिया हो कि बेटा ये तो ठान ही लेना लाइफ में, इसको तो छोड़ना ही नहीं, या तो इसको तो पकड़ के ही रखना, ऐसी दो तीन चीज कौन सी जो अब्बा जान ने खास बताई जो आप आज की तारीख में भी उसको पकड़ के उसूल की तरह उसे निभा रहे? देखिए, एक तो उनका एक उसूल ये था कि जैसे कि अगर सबको एक जैसा समझो, वो अगर जैसे कि मैं बैठ के सीख रहा हूँ उनसे और मेरे साथ स्टूडेंट्स भी सीख रहे हैं, तो उन्होंने मेरे में और स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं पैदा किया। ओके, क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा नहीं, मेरा बच्चा है, इसका मुझे ज्यादा सिखाना है। वो मुझे कहते थे कि अगर तुम सीख पाओ तो सीख लो, ओके, अगर स्टूडेंट ज़्यादा सीख रहा है तो ज़्यादा सीख लेगा,
मगर मैं ये नहीं चाहता था कि भाई तुम मेरे बच्चे हो तो जो मैं चीज़ तुम्हें सिखाऊं उनको ना सिखाऊं, या उनको सिखाऊं और मैं तुमको बोले, मैं सबको बराबर के हिसाब से जिस तरह से जैसे होना चाहिए कि भाई, और वो ये देखते थे कि भाई स्टूडेंट भी अच्छा बजा रहा है तो उसको बढ़ावा दो, बच्चा अच्छा बजा रहा है, ऐसा नहीं कि भाई मेरा बच्चा है तो मुझे मेरे बच्चे को बढ़ावा देना चाहिए। मैंने आज तक मेरे फादर को मेरे लिए किसी आर्टिस्ट को रिकमेंड सिफारिश करते हुए नहीं देखा। मुझे उन्होंने छोड़ दिया, भाई जाओ तुम्हें बजाना है तुम जाओ बजाओ अपने। जाकिर भाई ने भी नहीं किया, जाकिर भाई ने ये नहीं कहा कि भाई भाई देखो मेरा भाई बजा रहा है तो ज़रा उसको ले लो, ऐसा भी नहीं। यहाँ रोकूंगा, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे इसी बारे में, बात करेंगे कंटिन्यूटी में एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों समय थो छे विराम नो, फजल कुरेशी जी साथे नहीं वातो, एक ब्रेक बाद। विराम बाद फिर एक और स्वागत है आपनों कार्यक्रम अतिथि में, फजल कुरेशी जी अपनी साथ है। फजल जी आपने ब्रेक पे ब्रेक से पहले बताया कि पापा ने कभी भी स्पेशल कंसिडरेशन नहीं दिया, न तो फजल जी को दिया न जाकिर जी, न जाकिर भाई को दिया बिल्कुल। क्या आप ऐसा मानते हैं कि आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है जो अपने पापा मम्मी का कंधा इस्तेमाल करके चोटी पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए आप कंट्रोवर्सियल सवाल कर रहे हैं, मगर मैं ये कहूंगा कि देखिए मैं नेम गेम में नहीं आना, नहीं नहीं मैं नेम गेम की बात, मैं किसी का नाम भी नहीं पूछ रहा, वो तो सही बात है, जनरलाइज। हाँ, हाँ, नहीं जनरलाइज बात यह है कि ये इनके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। हमारे फादर का एटीट्यूड अलग था, उन्होंने एक स्ट्रगलिंग डेज देखा था, उन्होंने देखा था कि जब आदमी स्ट्रगल करता है, जब एक गरीबी देखता है, जब उस मुफलिसी से जब गुजर के जब पहुंचता है एक जगह पे एक मुकाम पे, तो जो जगह से वो निकला है वो जगह की अहमियत उसको पता चलती है। वो अहमियत वो चाहते थे कि हम भी इस दिमाग में रखें, हम भी वो स्ट्रगल से गुजरे, हम भी, मैं भी जा जा के आर्टिस्टों के दरवाजे खटखटा के उनके साथ रियाज करता था ताकि वो लोग मुझे अपने साथ बजाना शुरू करें। अब ऐसा है ना कि अगर मेरे में अगर उतना क्षमता नहीं थी, अगर मैं किसी जाकिर भाई की वजह से या अब्बा जी की वजह से कोई मुझे, अच्छा आप उस्ताद अल्लाह रखा के लड़के हो, अच्छा आओ बैठो, तो अगर मैं उनके साथ सामने, तो उन्होंने मुझे बिठा लिया, अब मेरे में अगर वो ताकत ही नहीं है कि मैं उनके साथ बजाने की, मुझे मेरे पास ताकत है या मेरे पास वो टैलेंट है तो वो मुझे क्यों बजवाएंगे। तो ये ज़रूरी होता है, हमारे फादर ने ये हमें ये सीख दी कि भाई देखो तुम ये बजा रहे हो और तुमने अपने आप इसको अपने शुरू किया है कि भाई मुझे तबला बजाना है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुमको एक राह दिखा दूँ, मैं तुम्हें एक ये क्या कहते हैं ना कि तालीम दे दूँ, आगे जो है वो तुम्हारा काम है और तुम इसको अगर आगे बढ़ा सको तो बढ़ा लेना। उस्ताद अल्लाह रखा साहब जी, जाकिर साहब और उसी परिवार में फजल साहब, सब बाहर का परिवार होता है ना, कोई भी अननोन आदमी तो भी परफॉर्मेंस में कहीं खींचाई होती है, कहीं अनबन होती है, ऐसा भी कुछ हादसा तो हुआ होगा जाकिर भाई को बताओ तो, जाकिर भाई आज थोड़ा ज्यादा हमसे अच्छा बजा लिए, आपको ज्यादा क्लैपिंग मिल गया हमें कम मिली, ऐसी भी अनबन कहीं तो होती होगी मैच्योर होने के बाद, नहीं उससे पहले की। हाँ नहीं देखिए दो चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि जाकिर भाई और मेरे में बहुत फ़र्क है, मतलब उम्र का मैं बात कर रहा हूँ, मेरे से वो 10 साल बड़े हैं और उनका क्या है कि वो ऑलरेडी 9 साल की उम्र में उन्होंने बजाना शुरू किया, मतलब मैं दुनिया में आया भी नहीं था तब से वो अपना प्रोग्राम बजाना शुरू कर दिया। अब क्या है कि जब तक मैं अपने होश संभालूं, जब तक मैं सोचूं कि मुझे तबला बजाना है, तब तक तो वो बड़े आर्टिस्ट हो चुके थे, तब तक उनका मतलब नाम भी होना शुरू हो गया था और वो अपना बजा रहे थे, उनका और अब्बा जी का डुएट काफ़ी मशहूर था और काफ़ी लोगों ने सुना। पर अब जब मैंने अपना शुरू किया करियर, अपना बजाना शुरू किया, तो लोग कंपेयर इतना करते थे, मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं, मुझे एक यंग आर्टिस्ट की तरह रहने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं यार ये तो उस्ताद अल्लाह रखा लड़का है जाकिर, उस हाँ तो बोले ये तो बजाएगा ही अच्छा, तो मतलब इसमें क्या बड़ी बात है, हाँ ये तो बजा लेंगे तो यानी कि जब मैं स्टेज पे कोई कॉन्सर्ट अच्छा बजाऊं
तो श्रेय उनको मिले। अरे भाई ये तो उस्ताद अल्ला रखा कभी अंदर अंदर जलन होती थी, सच्ची बात, दिल खोल के, क्योंकि ये शो इसी के लिए जाना माना है। नहीं नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ जेलसी जैसा कुछ जलन जलन तो नहीं हुई मुझे। यार बजा मैं रहा हूं अच्छा, इतनी मेहनत की मैंने, उंगलियां सुझा दी और क्रेडिट बोलते ये तो होना ही है, उसमें क्या नई बात है। सही बात है, और जब अगर बुरा बजाओ तो वो सारा क्रेडिट मेरे पे आया कि अरे यार इनका लड़का और ऐसा परफॉर्मेंस। तो दोनों तरफ से मेरी चित, मतलब जैसे कहते ना कि चित जैसे है वो दोनों तरफ से। पर क्या हुआ कि मैंने थोड़ा, जैसे आपने कहा कि जैसे जलसी तो नहीं हुई मगर बुरा लगता था कि यार थोड़ा बहुत तो वाह वाह करो यार, मैं अच्छा बजा रहा हूँ, इसमें कोई मतलब बुरी बात आपका। आस्ते आस्ते मुझे ये ऐसा लगा कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए, मुझे और अपना एक नया अंदाज, हम अपना नया अंदाज एस्टैब्लिश करना चाहिए। और दूसरा ये था कि ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने नोटिस किया होगा कि उस्ताद अल्ला रखा, जाकिर हुसैन, फजल कुरैशी, आपने ये नोटिस मैं किया? ये पूछने ही वाला तो था आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैंने इस नाम का फायदा, क्योंकि हमारा फैमिली नेम जो है वो कुरैशी, तो उस्ताद अल्ला रखा कुरैशी, अब्बा जी जो थे फिल्मों में म्यूजिक देते थे एज ए आर कुरैशी के नाम से, और रेडियो स्टेशन में उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिली तो एज ए आर कुरैशी के नाम से, एज ए तबला पर बिकेम फेमस उस्ताद अल्ला रखा। जाकिर भाई का भी यही, उनके पासपोर्ट पर देखो तो जाकिर हुसैन कुरैशी, बीच में नाम आ जाता है हुसैन, मगर उन्होंने कभी कुरैशी लगाया नहीं। तो इस नाम का मैंने थोड़ा सा फ़ायदा उठाया, मैं अपने अनाउंसर जो होते थे कॉन्सर्ट के उनको बोल देता था, बोला देखो सिर्फ मेरा नाम अनाउंस करना, ये मत कहना कि ये इनके लड़के हैं या इनके भाई हैं, फजल कुरैशी इज़ ऑन तबला, बस इतना ही बोल दो, बस काफ़ी है। तो जब लोग फजल कुरैशी, अच्छा उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरा कोई कनेक्शन है किसी के साथ, तो मैं प्रोग्राम बजाने के बाद लोग आके मुझसे पूछते थे बाद में, अरे यार आपका बजाना बड़ा उनके साथ मिलता जुलता था क्या है? बहुत सही, बहुत सही। तब होता था, अभी यस, अभी रिकॉग्नाइज्ड एंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, यस दैट्स तो मैंने वो तिकड़मबाजी उस तरह से की कि सब, मैंने अनाउंसमेंट ये की कि भाई फजल कुरैशी के नाम से ही आप अनाउंस कीजिए और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। एक बार मैं आपको वाक्य सुनाऊं कि शिव जी के साथ में बजा रहा था, पंडित शिव कुमार शर्मा जी बड़े, बहुत बड़े संतूर प्लेयर है, तो उनके साथ में एक जगह पे बजा रहा था, तो उन अनाउंसर जो था ना उसने मेरा नाम अनाउंस करना भूल गया। अच्छा, शिवजी का नाम अनाउंस किया और तबले पे कौन है ये बताया नहीं, शायद दिमाग से निकल गया या जो भी है, और शिवजी ने भी कुछ नहीं किया उस मामले में, एक फर्स्ट हाफ पूरा बजा लिया हमने, लोग बड़े खुश हुए, ताली वाली बजी, तो फिर बाद में उन्होंने माइक लिया और माइक लेके बोल रहे हैं कि भाई देखो हमारे जो अनाउंसर जी थे उन्होंने हमारे साथ जो साजिंदे हैं हमारे तबला प्लेयर का नाम अनाउंस नहीं किया, आपने तो अभी सुन लिया उसको और आपने तारीफ भी की, अब मैं बताता हूँ कि ये कौन है। बोले ये फजल कुरैशी हैं, उस्ताद अल्ला रखा के लड़के हैं, तो और तालियां बजना शुरू। मतलब ये कि देखिए उन्होंने भी, वो भी ये समझते हैं, ये देखिए जो कलाकार स्ट्रगल करते हैं वो भी ये समझते हैं कि देखिए मैं अगर इसका नाम अभी अनाउंस कर दूं कि ये उसको उसके, तो फिर लोगों के दिमाग में वो बायस्ड नज़रिया आ जाएगा। उन्होंने भी मुझे बजाने दिया, उन्होंने भी यही कहा कि भाई तुम बजा लो, और बजाने के बाद जब लोग खुश हुए तो फिर उन्होंने माइक उठा के कहा कि भाई ये उस्ताद अल्ला रखा के लड़के हैं और जाकिर हुसैन के भाई हैं। उस्ताद अल्ला रखा साहब को एक अब्बा जान की तरह से हम छोड़ दें उनको, बिल्कुल, लेकिन उनको एक द ग्रेट तबला प्लेयर के हिसाब से हम याद करें। उस्ताद अल्ला रखा साहब जब आपको सिखा रहे थे, आपके साथ बाकी स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे, तभी भी आपको एक शिष्य की तरह ही आपको उन्होंने ट्रीट किया। बिल्कुल, बहुत ही नेचुरल है कि ये सिर्फ आपके साथ ही वाक्या नहीं हुआ होगा, ये जाकिर साहब के साथ भी हुआ होगा। जाकिर भाई के साथ भी हुआ। तो एक अब्बा जान की तरह नहीं लेकिन एक उस्ताद की तरह उन्होंने, आप दोनों की कंपैरिजन कैसे करते थे वो घर में बैठ के? हाँ, शायद स्टेज पे वो चीज नहीं बोली हो, ऐसी कोई चीज बैठ के आपको शायद वो गुरु मंत्र दिया होगा वो उस्ताद वाला कि बेटा ये जो जाकिर बजा रहा है ना फजल, ये थोड़ी कमी है, या तो फजल जो बजा रहा है ना जाकिर, ये चीज फजल से सीखने जैसी है। देखिए वहां तक तो मैं बात पहुंची नहीं है, क्योंकि जाकिर भाई, जैसे मैं कहता हूँ ना कि ये सच कह रहा हूँ कि भाई जाकिर भाई एक ऐसे कलाकार हैं, मैं आपसे बताऊँ कि जो हमारे फादर का तो नाम था ही, उन्होंने सब हम सबको सिखाया, उनका तो नाम मतलब जैसे कहते हैं रोशन, पर जाकिर भाई जब बजाते हैं स्टेज पे
मैं कहता हूँ ना कि जब हम लोग तबला बजाने की कोशिश करते हैं, जब हम कोई बोल बजाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जब एक बोल जब दिमाग में आता है तो हम सोचते हैं यार दिमाग में तो आ गया, हाथ से निकलेगा कि नहीं, ये दिमाग में उसी वक्त आ जाता है कि यार ये हाथ से निकलेगा, एक डाउट आ जाता है। जाकिर भाई का मैं आपको क्या डिफरेंस बता रहा हूँ दूसरे तबला प्लेयर से, जाकिर भाई का एक एक बोल दिमाग में या सीधा हाथ से निकल जाता है। ओके उनका ऐसा दिमाग है कि वो सोचते हैं और बजा देते हैं, बाकी सब क्या करते हैं, सोचते हैं और फिर एक डाउट आता है, अरे अच्छा सोच तो लिया, निकलेगा कि नहीं, सम पे आएगा कि नहीं, ये सारी डाउट्स आना शुरू हो जाती है, जो जाकिर भाई में है ही नहीं। उनका बजाना ऐसा है कि उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं है, उनको पता है कि मैं अच्छा बजाऊंगा, उनको पता है कि अगर मैं बोल बजाऊंगा वो सही निकलेगा और सही सम पे आएगा, उनका ऐसा कनेक्शन हाथ और दिमाग में इस तरह का कनेक्शन है। यार रुकूंगा, इन्हें वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लास्ट बात करेंगे एक इस ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों समय दो जब विराम नो अंतिम तबक्का निवा, तो एक विराम बाद। विराम बाद फिर एक और स्वागत है आपनों, कार्यक्रम अतिथि मां फजल कुरेशी जी साथ है निवा। तो फजल जी बहुत सारे परफॉर्मेंस कर दिए जी, जी सफलता की बात नहीं कर रहा हूं, एप्रिशिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। हर एक कलाकार में कहीं ना कहीं को कैसा सिचुएशन आ जाता है, या तो मूड नहीं होता, या तो कहीं ट्यूनिंग नहीं बैठता बाजू वाले जो को आर्टिस्ट के साथ। मैं वर्स्ट परफॉर्मेंस आज याद कर रहा था। अच्छी बात है, वर्स्ट परफॉर्मेंस मेरा, क्योंकि ये लोग ये मुझे पूछते हैं कि आपका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कब था, आज तक किसी ने पूछा नहीं कि आपका वर्स्ट परफॉर्मेंस कौन सा। देखिए एक बार जब मेरे शुरू में मेरा करियर जब शुरू हो रहा था, तो मैंने किसी के एक म्यूजिशंस के साथ बजा रहा था, तो मैं बताऊं कि वो सरोद प्लेयर थे, वो भी हमारे अब्बा जी के साथ उन्होंने एक ज़माने में तबला सीखा था, फिर वो सरोद बजाना, उनके साथ मैं बजा रहा था अपने कॉलेज में, तो सेंट जेवियर्स बॉम्बे में। मैं बजाते बजाते मुझे एकदम से ऐसा ब्लैंक हो गया मेरा दिमाग कि मैं ठेके के अलावा और कुछ बजा ही नहीं पाया। ओके मतलब पता नहीं क्या हुआ उस वक्त कि मैं बजा रहा और वो मुझे कह रहे हैं कि हाँ बजाओ आराम से और बजाओ, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, मैं ठेका ही बजाया जा रहा हूँ। पता नहीं उस वक्त क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, या पता नहीं कोई टेंशन था, या पता नहीं क्या था कि एक तरह का, जैसे कहते ना कि एग्ज़ाम के पहले ब्लैंक हो जाता है इंसान का दिमाग, वो इतना सोचते हैं एग्ज़ाम के बारे में, सोचते जब एग्ज़ाम पेपर जब सामने आता तो ब्लैंक हो जाता है इंसान कि क्या लिखूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसी तरह से कॉन्सर्ट है चलो बजाना है, वो सारे मेरे दोस्त सामने खड़े हैं, वो सारे ये म्यूजिशियन बैठे हैं, ये वो, जब स्टेज पे आके जब मुझे बजाना जब मैंने शुरू किया तो मैं एकदम से ब्लैंक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो वो मेरे हिसाब से मेरा सबसे वर्स्ट कि मैं पूरा एक घंटा उनके साथ बजाया और मैंने ठेके के अलावा और कुछ नहीं बजाया, क्योंकि और वो भी मुझे कह रहे हैं बाद में प्रोग्राम के बाद, क्या हुआ भाई घर में तो रिहर्सल कर रहे थे तो बहुत बजा रहे थे तो। ये मैं सवाल इसीलिए पूछा आपको क्योंकि फजल जी को शायद हम जिंदगी में पहली बार मिल रहे हैं। बिल्कुल आप, लेकिन कभी कभी होता है कि देख के थोड़ा लगता है कि ये खुले दिल के इंसान जो हम पूछेंगे तो बिल्कुल दिल खोल के जवाब देंगे। अब ये और एक सवाल, ये हमारे फादर की एक ट्रेट है जो मेरे में आई है, जो मैं आपको जो सामने आपके सामने ले आया हूँ। एक ऐसा ही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, घराना की परंपरा चलती आई, फजल जी चाहेंगे कि अपने बच्चे इसी घराने को कंटिन्यू रखे, या तो बच्चे चाहते हैं कि इसी घराने को वो कंटिन्यू रखें तबला प्लेयर में? आई वुड मेरे जो बच्चे हैं अभी तो फिलहाल छोटे हैं, पर मेरा लड़का को पियानो का बहुत शौक है, वो पियानो बजाना चाहता है। मैंने उसको तबले की तरफ तवज्जो मैंने दिया नहीं उसको, कैसे हमारे फादर ने, मैं स्कूल किया, मैंने आपको बताओ मैंने पढ़ाई कितनी की, मैंने अपना स्कूल पास किया, मैंने BA किया सेंट जेवियर्स कॉलेज से, 2 साल लॉ किया, मतलब इतना सब कुछ किया मैंने, और साथ साथ तबला भी चल रहा था मेरे, और मैं 2 साल लॉ का कर नहीं पाया, एग्ज़ाम दिया नहीं, क्योंकि मेरे इतने कॉन्सर्ट शुरू हो गए थे उस वक्त तक कि मैं वो गया ही नहीं, मैं एग्ज़ामिनेशन का वो जो वो होता ना वो सब फिलअप करके तैयारी थी कि अभी एग्ज़ाम के लिए जाना है, मगर मैं यूरोप चला गया टूर के लिए,
तो वो मेरा ख़त्म हो गया मामला पढ़ाई का, पर मैंने उतनी पढ़ाई की। और हमारे फादर ने, जब मैं हमारे घर में एक लड़का आता था, ये ज़रा एक अच्छी सुनने वाली बात है, मुझे इंस्पिरेशन तो हमारे फादर से मिला ही मिला है, वो तो है, मगर हमारे घर में एक अमेरिका से एक लड़का आया था, रह रहा था हमारे साथ, 16 साल का लड़का, हमारे फादर से वो सीखता था वहाँ पे, 70s की बात है अली, और वो आया घर में, हमारे घर में रहा, और रोज़ मैं उसको देखूँ, मैं स्कूल जाऊँ तो वो तबला लेके बैठ गया, और जब स्कूल से वापस आऊँ तो तबला बजा रहा है अभी भी। हाँ हाँ, तो मतलब वो इतना रियाज करता था, तो मैं भी बोला यार ये आदमी उतनी दूर से आया है, और देखिए और इतने कम उम्र का है, और देखो तबला, तो मैं क्या करता था, तबला लेके उसके साथ ऐसे बैठ बजाना शुरू कर देता था, और जो चीज़ वो बजा रहा है मैं वो बजाते बजाते उसी चीज़ को उससे तेज़ बजाता था। अच्छा 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 अच्छा। तो उसको बड़ा गुस्सा है, बोले यार ये तो अभी स्कूल से आया है, हाथ भी गर्म नहीं है, और मैं जो बजा रहा हूँ सवेरे से। तो ये लोगों से मुझे इंस्पिरेशन मिला, यहाँ से इतनी दूर तक अगर वो आ सकते तो फिर हम क्यों ना करें? हम अपने घर की चीज, आपने हाथ गर्म करने की बात, ये बिल्कुल टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी, हाथ गर्म करना। फजल जी, इतने सारे आपने बताया कि इतने सारे कॉन्सेप्ट आपके होते रहते हैं, पहली बात तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा, शॉर्ट में आंसर चाहूँगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, जिस तरह से कॉन्सेप्ट बढ़ते रहे अभी, बीच में कुछ ऐसा एरा आ गया था कि जहाँ पे ऐसे क्लासिकल परफॉर्मेंस का कम हुआ था, अभी जहाँ पे भी देखो अलग अलग स्टेट में, हर एक स्टेट में, हर एक जो बड़े बड़े सिटीज़ में ये शो हो रहा है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा क्लासिकल म्यूज़िक जो 3000 साल पुराना है, हमें बहुत सारे लोगों ने हमें ये सवाल करते हैं सबसे पहले कि भाई आपको ऐसा लगता है कि क्लासिकल म्यूजिक जा नहीं, रहा नहीं, है? नहीं 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 हुआ, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मैं उनको यही कहता हूँ कि बढ़ रहा है, मैंने कहा तबला जो है उसके लिए मैं आपको देखूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे कम से कम 10-15 तबला पर आके मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, मुझसे मिलते हैं, यंग छोटा छोटा लड़का, मैं अभी अहमदाबाद में 2-3 दिन से हूँ, मैं एक जगह पर खाना खाने गया, एक लड़का आया छोटा, बोले मैं भी तबला सीखता हूँ, मैंने आपको सप्तक में सुना, मैंने आपको यहाँ सुना, आप मेरा ऑटोग्राफ देंगे क्या? छोटा 14-15 साल का लड़का। मैंने कहा कि बच्चे बच्चे सीख रहे हैं तबला, बच्चे बच्चे सीख रहे हैं फ्लूट, हारमोनियम, गाना सीख रहे हैं, और मैंने कहा कि कम तो हो ही नहीं सकता, बढ़ रहा है, और मैं हम इसके लिए बहुत खुश हैं। हमारे व्यूअर्स में भी बहुत सारे जो स्टेशन हेड है वो देख रहे हैं। हाँ, मेरे हिसाब से गौर से लीजिएगा फजल साहब की बात है, क्योंकि बहुत ही उनकी डिमांड है और उनको हमें मेरे हिसाब से फुलफिल करना चाहिए। अगर इतने बड़े कॉन्सर्ट हम कर रहे हैं पूरे अहमदाबाद में, गुजरात में, हिंदुस्तान में, तो शायद हमारे रेडियो स्टेशन में इतना स्पेस तो देना चाहिए। करेक्ट। अंतिम सवाल, आपने बताया कि इतने सारे प्लेयर्स बढ़ रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, कॉन्सर्ट बढ़ रहे है, लेकिन फजल जी कहीं लगता है सही कि जब कॉन्सर्ट होता है क्लासिकल सॉन्ग का, क्लासिकल म्यूजिक का, उस वक्त संगीत को समझने वाले से ज्यादा मैंने जो नया कुर्ता पहना है मैंने नया ड्रेस लिया है, मैंने नई साड़ी ली है, वो दिखाने वाले ज़्यादा आते, संगीत में शायद कम, लेकिन ये इसमें भी आप चाहते कि वो जो शरीक हो ताकि उनके रेट कम हो अगर शो के तो जो सही इंटरेस्ट रखने वाले, नहीं कि वो अपने ड्रेस की नुमाइंदगी करने वाले लोग ज़्यादा आए, ऐसे लोग भी आपको फनी हुआ होगा कहीं कि समझ नहीं है लेकिन आ गए अपना फैशन परेड करने के लिए? ऐसे लोग ज़रूर हैं ऑडियंस में, कि मैं आपसे ये बताऊं कि जो परसेंटेज जो म्यूज़िक के बारे में जानते हैं वो बहुत कम हैं, कि जो आगे बैठ के या पीछे बैठ के जहाँ पर बैठ रहे, जो नहीं जानते वो लोग ज़्यादा तादाद में हैं, पर ये भी अच्छी बात है अगर वो प्रोग्राम से कुछ सीख के निकले, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। अगर कलाकार वो जो नहीं जानते म्यूज़िक के बारे में उसको, उनको थोड़ा सा भी अगर ज्ञान दे पाए कि भाई देखो भाई ये है भाई, जैसे ये ट्रेंड जो है ना, हमारे जाकिर भाई ने बड़े अच्छी तरह से शुरू किया था, उस वक्त के जब वो सोलो बजाते थे तो कोई कॉम्पोजिशन बोल रहे हैं और वो ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन है, मगर उसको एक स्टोरी की तरह ऑडियंस के सामने ले आते थे ताकि वो ऑडियंस, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये वो है, तो उनकी समझ में थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी तरह से आता था, ताकि अगर वो अगली बार आए तो वो समझ जाए कि अच्छा ये कॉम्पोजिशन, इसका ये स्टोरी है, तो वो मतलब एक मतलब कहना कि एक, हालांकि वो ताल क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, पर वो थोड़ा समझ रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि वो कम ना हो मगर कुछ सीख के जाए। थैंक यू वेरी मच फजल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक मित्र, आती बात फजल कुरैशी जी साथ है नहीं, एक बात खास नोट करवा जे, बीच एक ज प्रोफेशन में एक ज फेमिली ना बधा ज मेम्बर्स होय, छता पण कोई पण कटुता वगर
કોઈ પણ કોમ્પિટિશન વગર, કોઈ પણ ઇનસિક્યુરિટી ફીલ કર્યા વગર એ સતત આ 26 મિનિટના ટોક શો દરમિયાન 26 વખત તેમણે ઝાકીરભાઈનું નામ લીધેલું છે. ઇટ શોઝ ધ બોન્ડિંગ ઓફ ધ ફેમિલી એન્ડ ધ કમિટમેન્ટ ટુવર્ડ્સ તબલા પ્લેઇંગ મ્યુઝિક ઇન્ટરેસ્ટ. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. થેન્ક યુ ફઝલજી. થેન્ક્સ.